हेलो गाइस, ड्राइविंग निकेतन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में MG ZS वेरिएंट। आप सभी को पता है मार्केट में ईवी गाड़ियों का ट्रेंड चल चुका है इस पोल्यूशन को देखते हुए, तो आने वाले टाइम में मोस्टली गाड़ी ईवी ही चलेंगी रास्तों में। तो उसी को देखते हुए आज हम करेंगे MG ZS EV का फुल डिटेल रिव्यू। हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या मिलने वाला है। जो MG जानी जाती है वो जानी जाती है अपने फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड अपने लग्जूरियस को लेकर। मतलब इतनी बेहतरीन गाड़ी है, बाकी फुल डिटेल रिव्यू करते हैं। तो आइए, चलिए हमारे साथ आइए। हाँ जी गाइस, आगे हम गाड़ी के सामने, एक बार पहले आप गाड़ी पर नजर डालिए कितनी शानदार लुक के साथ है। और जो हमारा कलर होने वाला है वो होने वाला है प्रीमियम ब्लैक कलर। आप देख सकते हैं कितने शानदार लुक है। एंड हम करें फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करें, ये आगे इसकी फ्रंट ग्रिल जो कि भाई साहब बहुत शानदार लुक लग रही है। बॉडी टच में कैनो फिनिशिंग में ग्रिल है। एंड ये आ गया इसका MG का लोगो आ गया है। एंड ये आ गया इसका चार्जर पॉइंट आ गया है। ये पावर का आ गया, ये नॉर्मल चार्जर आ गया है। आप पावर में चार्ज करेंगे तो आपको 0 से 100 चार्ज होने में लगेंगे 1 से 1.5 घंटा। एंड आप नॉर्मल 7.5 वोल्ट के चार्जर से आप चार्ज करोगे तो आपको टाइम लगेगा 8 से 9 घंटे। मैं कह रहा हूँ एक बार चार्ज करके भाई साहब भूल जाओ महीने महीने, ऐसी बेहतरीन गाड़ी है ये। एंड ये आगे इसके हेडलैम्प आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितने प्रीमियम हेडलैम्प लग रहे हैं। ये आगे इसकी DRL लाइट आ गई है। एंड ये आ गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प। एंड आप ये यहाँ देखिए कितनी प्यारी लग, क्रिस्टल क्रिस्टल लुक, जब रात में जलती है ना तो बहुत प्यारा परफॉर्मेंस देती है, बहुत ही प्यारा। एंड ये आ गया इसके बम्पर आ गया है। आप बम्पर पर नजर डालिए कितनी प्यारी लुक है, ये क्रोम फिनिशिंग की स्टिप दे रखी है। भाई सब दूर से ऐसा लगती है जैसे स्पोर्ट गाड़ी हो, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। बाकी हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की हम बात करें। बाकी गाइस, हम साइड प्रोफाइल की हम बात करें, इसकी थोड़ी बहुत लुक आपको MG एस्टर की तरह लग रही होगी। बाकी पहले आप साइड में नजर डालिए कितनी स्पोर्टी स्पोर्टी लुक लग रही है। बाकी हम इसके टायर अलॉय की बात करें, इसमें मिल जाते 17 इंच के टायर अलॉय मिल जाते हैं। एंड C8 का टायर मिल जाता है। और टायर साइज की हम बात करें, इसमें मिल जाता है 215/55R17 17 इंच के टायर मिल जाता है। एंड ये मिल जाते हैं इसमें अलॉय, अलॉय अंदर की तरफ है लेकिन बाहर इन्होंने व्हील कवर लगा रखा है। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो दूर से बिल्कुल लुक आपको ऐसे लगेगी डायमंड कट अलॉय है, लेकिन बाहर से भी इन्होंने व्हील कवर लगा रखा है। एंड आगे करते हैं डिस्क ब्रेक ऑफर। एंड रेयर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो इतना है, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी टेस्टिंग करिए, बेकार से बेकार रास्तों में, कीचड़ वाले रास्तों में, पहाड़ों में भी मतलब इजीली आराम से चल जाती है, आराम से। मैं कह रहा हूँ बेकार से बेकार रास्तों में भी आपको मतलब नीचे ना लगने के कोई भी चांस रहते हैं। बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। एंड ये क्रोम फिनिशिंग में ग्लाइडिंग आ गई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक लग रही है। एंड ये इलेक्ट्रिक की बैजिंग आ गई है। ये ORBM विथ टर्न इंडिकेटर आ गया है, आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। ये डोर हैंडल आ गए हैं विथ थंब प्रिंट के साथ। एंड क्रोम की फिनिशिंग है इसमें। एंड डोर पे आप क्रोम की स्ट्रिप देखिए कितनी प्यारी लग रही है। भाई साहब गाड़ी में ना, इस गाड़ी पे दिल आ गया हमारा दिल। एंड ये रूफ रील आ गई है। तो हमारी साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की होने वाली है, बिल्कुल ऐसे लग रही है एस्टर की चाचा ताऊ की लड़की हो, मतलब सेम एस्टर से मिलती जुलती है। बाकी लुक इतनी प्यारी भाई साहब, बहुत ही प्यारी। बाकी आइए चलिए हम रियर की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, आगे हम रियर प्रोफाइल पर, एक बार रियर प्रोफाइल पर नजर डालिए कितनी प्यारी है, कितनी बॉक्सी बॉक्सी लुक लग रही है। पीछे से आप देखोगे ना बिल्कुल स्पोर्टी लुक लग रही है। बाकी हम बात करें, ये आ गया इसका शार्पनेस एंटेना आ गया है। एंड ये स्पॉइलर आ गया है विद स्टॉप लाइट। एंड ये डिफॉगर आ गया है, ये वाइपर आ गया है। एंड ये आ गया है MG का लोगो। एंड ये आ गया इसके टेल लैंप, जो कि भाई सब देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक लग रहे हैं। जब रास्ते में चलते हैं ना, इतनी प्यारी लुक लगती है। ये जो पीछे वाले जो गाड़ी वाले होते हैं भाई, ये सोचते हैं कौन सी मतलब क्या गाड़ी जा रही है भाई साहब, इतने प्यारे टेल लैंप है इसके। एंड ये ZS EV की बैजिंग आ गई है। अब करते हैं हम इसके बूट स्पेस की हम बात करें। तो गाइस, हम इसके बूट स्पेस की बात करें, ये बिल्कुल आपको टेल गेट खोलने के लिए वाला सिस्टम मिल गया, जैसे पोलो में आता था ना, पोलो फोक्सवैगन की गाड़ी में जो आता था, सेम वैसे ही है। गाइस आगे हम बूट स्पेस की तरफ एक बार नजर डालिए, भाई साहब कितना शानदार बूट स्पेस है। इसका बूट स्पेस है 448 लीटर का। मैं कह रहा हूँ अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, आराम से बड़े बैग आप रख के आराम से अपने ड्राइव का एंजॉय ले सकते हैं। एंड ये इसमें साइड में जगह आ गई है, बूट लाइट आ गई है, आप देख सकते हैं मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन हाँ सही है। ये इसमें पार्सल ट्रे आ गई है। एंड ये आ गया इसका स्टेपनी आ गई है, आप देख सकते हैं स्टेपनी भी देखिए कितनी शानदार है। जो आपको एलोए वहाँ पे नहीं दिख रही थी ना, ऊपर कैप लग रही थी, आप यहाँ देखिए ये रहे एलोए। भाई साहब बहुत शानदार एलोए हैं।
इसकी भी टायर प्रोफाइल बताएं हम, इसमें भी C8 का टायर मिल जाता है, प्रोफाइल सेम है, 215/55R17, 17 इंच के इसमें भी टायर अलॉय है। बाकी चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बताते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो चलिए हमारे साथ। गाइज हमारी बैक प्रोफाइल की बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। उससे पहले एक बार इसकी चाबी पर नजर डालिए गाइज, देख सकते हैं कितनी शानदार चाबी है, ये MG का लोगो आ गया है, ये रेड स्ट्रिप आ गई है, ब्लैक पेन फिनिशिंग में ये मतलब चाबी है पूरी। एंड ये लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग इसमें ऑप्शन मिल जाता है, गाड़ी लॉक करी तो आपको मतलब ऐसे सिग्नल मिल जाएंगे, DRL लाइट जल जाएगी। एंड हम अनलॉक करते हैं, अनलॉक में हमारी ये लाइट ओपन हो जाएगी एंड ये हमारी DRL चालू हो जाएगी। बाकी हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये हमने फिंगरप्रिंट लगाया तो ये गाड़ी हमारी लॉक हो गई है। अब हम फिर अगेन फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ये हमारी गाड़ी ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, एक बार पहले इसकी डोर पैनल पर नजर डालिए। आइए आप देख सकते हैं ये क्रोम की स्ट्रिप आ गई है एंड ये लॉक अनलॉक आ गया है, ये चारों पावर विंडो आ गई है एंड ये आ गई कार्बन सॉफ्ट टच। आपको दूर से ऐसा लग रहा होगा कार्बन में, लेकिन कार्बन में नहीं है, ये सॉफ्ट टच में है। लुक इतनी प्यारी लग रही है एंड ये रेड स्टिचिंग आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है। यहाँ भी सॉफ्ट टच है एंड ये कप होल्डर आ गए हैं एंड ये स्पीकर आ गया है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस जो ORBM हम एडजस्ट कर सकते हैं वो उसका स्विच यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने ORBM को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट एडजस्ट के लिए आ गया है एंड ये आ गई इसकी सीट, इसमें मिल जाती है मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आइए चलिए हमारे साथ आ जाओ। गाइस आगे हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ गए हैं, एक बार पहले इसके इंटीरियर पर नजर डालिए, क्या शानदार इंटीरियर है भाई साहब, हर जगह ना आपको सॉफ्ट टच मिलेगी, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है एंड ये रेड स्टिचिंग भाई साहब बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। हम बात करें इसके स्टेयरिंग की बात करते हैं, आप देख सकते हैं लेदर रैप आ गया है बिल्कुल और रेड स्टिचिंग आ गई है जो कि बहुत ही शानदार लुक के साथ है। एंड ये MG का लोगो आ गया है, ये इन्फो सिस्टम स्विच आ गए हैं एंड ये MID स्विच आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये आ गए हैं इसके बाइफर कंट्रोल आ गए हैं, ये बाइफर कंट्रोल आ गए हैं एंड ये हेडलाइट कंट्रोल आ गए हैं। MG भाई साहब जैसे कि आप सभी को पता है MG चाइनीज ब्रांड है और ये बिल्कुल जैसे बाहर विदेशों की जो सड़कें होती है हमारे इंडिया के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती हैं, तो उसी के हिसाब से सेम वैसी स्विच दे रखी है। ये बाइफर कंट्रोल आ गए हैं, ये हेडलाइट कंट्रोल आ गए हैं एंड ये पुश डाउन बटन आ गया है, हम स्टार्ट बटन स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ये हमने ब्रेक लगाई एंड हमने प्रेस करा। गाइज एक बार आप इसके ऑडोमीटर पर नजर डालिए, डिजिटल ऑडोमीटर है, इसमें आपको सब आपकी RPM की रेंज, स्पीडोमीटर, इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, मोड वोड आपको सब इसमें शो करेगा, कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्या एवरेज दे रही है, हर चीज इसमें आपको शो करेगा। ये आ गए AC वेंट आ गए, आप देख सकते हैं ये पार्किंग इंडिकेटर आ गया है, डबल इंडिकेटर आप देख सकते हैं, बहना चुप हो जा मेरी। तो गाइज ये आ गया इनका इन्फो सिस्टम आ गया है, आप देख सकते हैं 10.1 इंच की इन्फो सिस्टम आ गया है, इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड प्ले, बैटरी रेंज इसकी है 36% पे 118 किलोमीटर चल जाएगी भाई साहब, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन गाड़ी है। एंड ये आ गया इसका ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट आ गया है, आपको कितनी हवा चाहिए, कितनी कम करनी है, सब चीज आपको यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड ये आ गया है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट आ गया है, ये सी टाइप केबल के लिए आ गया है, ये USB चार्जर के लिए आ गया है एंड ये आ गया वायरलेस चार्जर आ गया है, आप यहाँ अपने फोन को रख के अपने फोन को चार्ज करके अपनी ड्राइव का एंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये आ गया हमारा गियर बॉक्स, आप देख सकते हैं रिवर्स न्यूटन मोड एंड हम आपको दिखाते हैं इसमें कितने मोड मिल जाते हैं। इसमें गाइस आपको 3 मोड मिलते हैं, आप देख सकते हैं कोने में ये रहा स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड एंड इको मोड। मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट मोड में आप गाड़ी चलाओगे ना गाड़ी ऐसी चलेगी बिल्कुल गोली की चोट, आपको गाड़ी जाती तो दिखेगी लेकिन कहाँ गई ये नहीं दिखेगी, इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है। बाकी हम अपनी गाड़ी को पहले ऑफ कर देते हैं, ये गाड़ी हमने ऑफ कर दी है। तो गाइस ये आ गया है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ गया है एंड ये कप होल्डर आ गए हैं, आप देख सकते हैं भाई साहब 2 कप होल्डर, आप आराम से अपने शिकंजी कोडिंग वोडिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत प्यारी लगा, ये शटर सा ये स्लाइडर जो शटर सा है ये बहुत प्यारा लगा एंड इसमें भी सॉफ्ट टच है रेड स्टिचिंग के साथ, भाई साहब सॉफ्ट टच तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और प्लास्टिक हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बढ़िया क्वालिटी की है। एंड ये आर्मरेस्ट आ गया है, आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट में भी आपको स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है। एंड ये इसके सनवाइजर आ गए हैं, आप देख सकते हैं सनवाइजर में मिरर मिल जाता है आपको, ये को ड्राइवर सनवाइजर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये आ गए हैं इसके लाइट एंड सनरूफ कंट्रोल, एक बार पहले आप लाइट देखिए, इसमें आपको कैबिन लाइट, LED लाइट मिल जाती है, इसमें मिल जाता है आपको पैरानोमिक सनरूफ,
आप देखिए एक बार, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखिए गाइस, आप इसमें मिल जाता है आपको पैरानोमिक सनरूम मिल जाता है, और ग्लास की विजिबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतनी प्यारी लुक है इस गाड़ी की। और जो ये गिलास है ना, ये सनरूफ का, ये भी मतलब फुल विजिबिलिटी के साथ खुलता है, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड हम कर देते हैं इसे बंद कर देते हैं। तो गाइस ये हमने अपना सनरूफ बंद कर दिया है, एंड ये आ गया IRVM आ गया है। हमारी हो गई इंटीरियर की बात हो चुकी है, कितना शानदार और कितना प्रीमियम इंटीरियर है। अब करते हैं हम इसके स्पेस की बात करें। भाई हमने अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर लिया है, हमारी हाइट है 5'8". अब हम चलते हैं रियर की तरफ और बताते हैं इसमें आपको कितना कंफर्ट और कितना स्पेस मिलने वाला है। तो चलिए हमारे साथ। तो गाइस करते हैं हम रियर सीट की बात करें, इसमें कितना स्पेस मिलने वाला है। उससे पहले एक बार इसके डोर पैनल पर नजर डालिए। इसमें पावर विंडो मिल जाती है, नीचे कप होल्डर मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर बोल दीजिए, एंड इसमें भी पीछे रियर में भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाती है। बाकी चलते हम गाड़ी की तरफ। ये आ गए हम गाड़ी के अंदर। वही वाह गाइस, आप देखिए कितना स्पेस है। हमारी हाइट है 5'8" और हमने अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर ली। और आप स्पेस देखिए, ये हमारी लेग रूम देखिए, हमारी नी रूम देखिए, और हमारी अंदर थाई स्पेस देखिए। भाई सब स्पेस तो इसमें इतना है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल गाड़ी है। एंड आप हमारा हेडरूम भी देखिए, मतलब बहुत अच्छा हेडरूम है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में कंफर्ट इतना है और इतना स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस। अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप इजीली आराम से अपनी ड्राइव का एंजॉय ले सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। और स्पेस तो इतना है, अगर आप दो तीन तीन की जगह अगर आप बीच बिछा के चार जने भी जाओगे ना, तो चार जने भी बहुत आराम से बैठ के जा सकते हैं, इतना अच्छा स्पेस है। इसमें आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये आर्म रेस्ट आ गया है, रियर आर्म रेस्ट आ गया है विद दो कप होल्डर के साथ, जो कि बहुत ही प्रीमियम। एंड जब आप ड्राइव पे जाओगे तो आपको बिल्कुल लग्जूरियस फील आने वाली है। एंड ये रियर एसी वेंट आ गए हैं, एंड ये यूएसबी केबल एंड सी टाइप चार्जर पॉइंट आ गया है, एंड ये हैंडल आ गया है, आप देख सकते हैं। बाकी गाइज गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार, बहुत प्रीमियम लुक है। मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी में बैठने के बाद हमारा इस गाड़ी से उतरने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी प्यारी और इतनी शानदार गाड़ी लग रही है। बाकी करते हैं इसके इंजन की बात करते हैं, इसके इंजन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो चलिए हमारे साथ। तो गाइज एक बार पहले आप इसके इंजन पर नजर डालिए, ये हमारा ईवी इंजन आप देख सकते हैं। हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें, इसमें मिल जाती है 50.3 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। एंड हम इसकी पावर की बात करें, 174 BHP पावर एंड 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। भाई साहब टॉर्क तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बेकार से बेकार रास्तों में इजीली आप अपनी ड्राइव का एंजॉय ले सकते हैं। और हम इसकी रेंज की बात करें, एक बार फुल चार्ज करने पे ये चलते 461 किलोमीटर। भाई साहब एक बार फुल कराने के बाद ना आपके ना महीने महीने तक की छुट्टी, आप भूल जाओ एक बार चार्ज करा के। एंड हम इसका खर्चा बताएं, भाई साहब 80 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा बैठ रहा है। 80 पैसे भाई सब क्या होता है, 80 पैसे 80 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इसका खर्चा बैठ रहा है। और हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस है इसकी बिल्कुल जीरो, ना इसमें इंजन ऑयल डलना ना कुछ डलना, ब्रेक शूज डलेंगे वो अलग खर्चा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो बहुत कई सालों बाद पड़ती है। लेकिन हम इसके उसकी मेंटेनेंस की बात करें, बिल्कुल जीरो खर्चा। एंड हम इसकी सर्विस की बात करें, सर्विस में जानी जाती है टोयोटा, टोयोटा नंबर वन पे जानी जाती है अपनी सर्विस। JD पावर ने नंबर वन रैंक दे रखी है इसकी सर्विस को, मतलब आप यहाँ पे सर्विस भी कराएंगे ना, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन खुश करके भेजते हैं, बिल्कुल खुश करके। बाकी हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, इसका प्राइस, इसका शोरूम प्राइस है 18,98,000 इसका शोरूम प्राइस है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। मैं कह रहा हूँ गाड़ी इतनी शानदार है, इतनी शानदार, और रोड प्रेजेंटेशन भी इसकी इतनी अच्छी है, जब रास्ते में चलती है ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, मुड़ मुड़ के। बाकी आप एक बार गाड़ी पर नजर डालिए, जैसे हमने पहले भी बताया है, इसकी झलक बिल्कुल एक्स्ट्रा की तरह लग रही है, आप एक बार देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है चाचा ताऊ की बहन है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी आप आइए, बुक कराइए, यहाँ की डिटेल एंड यहाँ का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, तो आप आओ बुक कराओ और अपनी गाड़ी को ले जाओ और इस गाड़ी का अपने ड्राइव का एंजॉय उठाना। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।